डॉक्टर्स, मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मैं दीप आयुर्वेदा से हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा थोड़ा हर्बल सिरप के फॉर्मेशन के बारे में, किस प्रकार से हम लोग हर्बल सिरप की फॉर्मेशन करते हैं या उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या पैरामीटर्स हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के। उससे पहले थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, आज आपकी अपनी प्रैक्टिस में आप लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में आप यूज़ करते हैं, टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा रॉ मटेरियल भी अलग अलग मेथड्स में आप लोग अपनी फॉर्मेशन बनाते होंगे, एंड या जो हम क्लासिकल वे की बात करें, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने या जितना हजार इतने सालों से जो टाइम टेस्टेड हमारी मेडिसिन हैं, क्लासिकल भस्म, पिष्टी, रस्क, क्षार, रिस्ट, वो सब मेथड हैं। सो उन्हीं मेथड में से भी एक मेथड है, एक फॉर्म है सिरप फॉर्म में। सिरप फॉर्म उसका भी एक अपना अहम रोल है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में, बिकॉज बड़ों के लिए तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसी के लिए बच्चों के लिए जो ये डेवलप की है वो सिरप फॉर्म है। सो मैं अगर सिरप की क्वालिटी के बारे में आपसे डिस्कस करूँ, आज बहुत सी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं। लीवर के सिरप, लीवर एंजाइम, डाइजेशन के लिए सिरप आते हैं, इसके अलावा फीमेल्स की गायनी प्रॉब्लम्स के लिए सिरप आते हैं, मल्टीविटामिन्स में डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। बट क्या डॉक्टर्स, आपने कभी ध्यान से उनकी क्वालिटी के बारे में चेक किया? क्या आपने कभी उसको गहराई से आपने जाना कि जो सिरप हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है? होपफुली आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, आप यूज़ करते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के जरिए आज थोड़ा सा कंपेरिजन करके बताना चाहूँगा। मैं अगर अपने प्रोडक्ट दीप आयुर्वेदा की बात करूँ, हमारे पास सिरप फॉर्म में अलग अलग फॉर्मेशन है, जैसे लीवर के लिए लिव क्लियर के नाम से हमारा एक सिरप आता है हर्बल, इसके अलावा मल्टीविटामिन में आयुर्वेद के नाम से मल्टीविटामिन आता है, इसके अलावा फीमेल की प्रॉब्लम के लिए फेमिकेयर आता है जो कि सिरप फॉर्म में है 200 ml में। सो दे आर डिफरेंट फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट डिजीज, बट जो सिरप हम बनाते हैं क्या वो सिरप की जो फॉर्मेशन है या जो सिरप में हमने हर्ब्स यूज की, क्या वो अप टू द मार्क है, वो बड़ी सोचने वाली बात है। मैं अगर लिप क्लियर से स्टार्ट करूँ, एग्जांपल लेता हूँ लिप क्लियर का, तो लिप क्लियर की जो फॉर्मेशन है, इस 200 ml की बोतल में हमने हर 5 ml में 500 mg एक्सट्रैक्ट यूज किया, बिकॉज जो डोज बनती है 5 से 10 ml में, अगर हम बच्चों की बात करें तो 500 mg, या अडल्ट की बात हम करें तो 1000 mg तक की एक डोज में हम दे सकते हैं। उसी कैलकुलेशन में हमने हर 5 ml के अंदर 500 mg एक्सट्रैक्ट यूज इस फॉर्मेशन बनाते वक्त किया, जिसमें भूमि आमला है, कटुकी है, पुनर्नवा है, काल मेघ है, सरपुंका है, भृंगराज है, इसके अलावा इसमें नीम है, गिलोय है, तो ये सबका एक फॉर्मेशन हमने 500 mg का इस सिरप में यूज किया है। हमारी फैक्ट्री में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम सिरप बनाते हैं, सबसे पहले सिरप, ऐसा नहीं कि हम कोई भी लिक्विड ग्लूकोज लेंगे या लिक्विड शुगर लेंगे और उसमें थोड़ा सा एसेंस मिलाएंगे और सिरप तैयार, जैसे कि ज्यादातर कंपनी करती है। हमारे यहाँ बकायदा पहले एसएस के जो कंटेनर्स हैं सिरप बनाने के, उनमें पहले क्वाथ बनता है सिरप का। क्वाथ बनने के बाद पहले प्रॉपर जितनी मात्रा हमने इसमें मेंशन की है या जो हर्ब्स की जितनी मात्रा होनी चाहिए एज पर द फॉर्मेशन, वो बकायदा पहले उसका एक लिक्विड क्वाथ बनता है। क्वाथ बनने के बाद हम उसमें चीनी का जो सिरप है वो मिक्स करते हैं, और सिरप की भी जो मात्रा है, सिरप का जो परसेंटेज है, हम 55% से ज़्यादा उसको लेके नहीं जाते। 55% या मैक्सिमम लीवर का अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इस केस में 60% तक जा सकता है, लेकिन हर 5 ml के अंदर आपको 500 mg एक्सट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि मेरे इस 200 ml के सिरप में हर 500 mg के हिसाब से अगर 200 ml की मैं बात करूं तो 40 डोज बनती है, 40 बार आप पेशेंट को दे सकते हो। 500 × 40 20,000 mg डिवाइड बाय 1000, यानी कि 20 ग्राम एक्सट्रैक्ट इसमें है, 20 ग्राम डोज पूरे की पूरी बोतल में है। 40 डोज में हमने 500 mg
40 करूंगा तो 20,000 mg की डोज इसमें पूरी होती है, और मेरे जो लेबल पे मेंशन है वो भी उतनी ही मात्रा मेंशन है जो मैंने इसमें यूज करी है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइस 115 रुपए का लिव क्लियर का सिर्फ हमारा एमआरपी जाता है बाजार में। और बिकॉज आज बाजार में अगर आप देखें तो मैं जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के कंपैरिजन किए, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हमने सैंपल्स लिए, तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो बाजार में ज़्यादातर जो लीवर के सिरप हैं वो 80 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में अवेलेबल हैं। एंड इवन हमने काफ़ी सिरप की बोतल जब उठा के देखी तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ने जो फॉर्मुलेशन उसके ऊपर मेंशन की वो 3000 mg से लेके 6000 mg तक हर 5 या 10 ml में यूज की, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है, एक तो वो डोज के हिसाब से पूरा नहीं है, डोज के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवरडोज है। एंड सेकेंडली अगर हम उसकी कॉस्टिंग वाइज बात करें, काफी कंपनी शो करती है कि मैंने हर 10 ml में 5 ml में 6000 mg एक्सट्रैक्ट डाला, 6000 mg हर्ब डाली, हाउ इट पॉसिबल। आज अगर मैं अपने प्राइसिंग की बात करूं, 20 ग्राम एक्सट्रैक्ट ऑन एन एवरेज अगर 1000 रुपए किलो भी एक्सट्रैक्ट की वैल्यू निकालें तो 1 ग्राम एक्सट्रैक्ट लगभग 1 रुपए का होगा और 20 ग्राम लगभग 20 रुपए का आएगा। उसके अलावा फिर मार्केटिंग है, आपकी पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइसिंग सेट होती है। लेकिन जब आप इसमें 6000 या 3000 mg तक शो करते हो और उसकी एमआरपी आप देते हो 80 रुपए या 85 रुपए या 90 रुपए, सो डॉक्टर साहब आप ही अपने आप खुद उस जितनी हर्ब उन्होंने यूज की आपको हर्ब्स के रेट तो मालूम हो गई, नहीं तो आप पंसारी की दुकान से या आपके सिटी में आपके शहर में जो भी आयुर्वेदिक राह हर्ब का काम करता होगा बड़े इजीली आपको हर्ब के रेट मिल जाएंगे। आप प्लीज एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा कि जितना उस कंपनी ने उस पे एमआरपी मेंशन किया उससे ज्यादा की वो कैलकुलेशन आपकी बनेगी, उस हर्ब की कैलकुलेशन की उससे ज्यादा बनेगी। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस कंपनी ने अगर उस हर्ब का जो टोटल मेंशन किया, जितना भी उसकी क्वांटिटी मेंशन की, अगर वो उतनी डली है तो वो फिर एमआरपी पे उतने प्राइस में कैसे बेच सकता है। इसके अलावा अगर आप उस हर्ब की कॉस्टिंग के अलावा पैकेजिंग कॉस्टिंग है, बोतल की कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सिरप की कॉस्ट आएगी, सब कुछ कॉस्टिंग है, कहां से निकलेगी वो। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो लोग सिर्फ मिसलीड कर रहे हैं, लेबल पे कुछ मेंशन करते हैं, अंदर उसके कुछ होता है। एक मेथड तो ये है चेक करने का कि आप उसका कैलकुलेशन कर लें। दूसरा मेथड ये है डॉक्टर साहब, आप किसी भी सिरप को एक बार बोतल को खोलिए, खोल के थोड़ा सा एक चम्मच आप उसमें से टेस्ट करके देखिए, अगर उस सिरप में एक्सट्रैक्ट या हर्ब जितना उन्होंने मेंशन किया और अगर वो यूज की तो बीइंग एक्सपीरियंस डॉक्टर आप टेस्ट करते ही पहचान पाएंगे कि हाँ वाकई में उसने उसमें डाला है या नहीं डाला है। हम ओपन चैलेंज करते हैं, हम ओपन खोल के दिखाते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स को इंसिस्ट करते हैं हम खोल के पीने के लिए, एक बार चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए कि आप डॉक्टर साहब एक बार चेक करिए कि क्या हमने जो क्लेम किया, जो हमने मेंशन की हर्ब, क्या हमने यूज की या नहीं की। और आप पाएंगे टेस्ट करने की वाकई में, अगर मैं लीवर की बात करूं, आज अब जब इसको टेस्ट करेंगे, टेक चेक करेंगे तो आपको कटक्यू का टेस्ट, सरपुंखा का टेस्ट, कालमे का टेस्ट आएगा ही आएगा, पुनर्नवा का टेस्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज उसमें यूज है। लेकिन जो सिंथेटिक फ्लेवर से या लिक्विड ग्लूकोज से, लिक्विड शुगर से जो सिरप बनेंगे उनमें सिर्फ नामात्र थोड़ा सा वो एसेंस या एक्सट्रैक्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट मिला होगा, उसके अलावा कोई भी हर्ब उसमें नहीं होती, सिर्फ नाम के लिए इस डिब्बे के ऊपर लिखा होगा कि हाँ जी ये इतना इतना हमने यूज किया। सो डॉक्टर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जब आपके पास कोई भी कंपनी के एमआर या डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो भी एग्जीक्यूटिव आते हैं सिरप बेचने के लिए, तो प्लीज एक बार आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, बिकॉज आज आयुर्वेदा का लोग फिर भी आयुर्वेदा के ऊपर आज विश्वास करने लगे हैं, लोग आयुर्वेदा की तरफ मुड़ने लगे हैं, लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढते हुए आते हैं आज की डेट में। और अगर आप एक अच्छी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी मेडिसिन, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन उनको देंगे तो उनका विश्वास डेफिनेटली आयुर्वेदा के ऊपर आएगा और वो आज खुद ठीक होंगे, उनका परिवार खुद ठीक होगा, उसके अलावा वो बाकी लोगों को भी आयुर्वेदा के बारे में प्रचार करेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आगे से आप जब भी कोई आयुर्वेदिक सिरप खरीदें तो प्लीज एक बार उसकी क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी चेक करके आप अपने पेशेंट को यूज करने के लिए दें। धन्यवाद।